सुप्रभात, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MSTM एजुकेशन में। पुनः मैं एक बार फिर आप सबके बीच क्लास 11th भौतिक विज्ञान लेकर उपस्थित हूँ। आज का हम लोगों का टॉपिक है सदिशों का जोड़, यानी कि सदिशों को कैसे जोड़ते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर क्या है? वेक्टर एनालिसिस वाले चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया था और यह बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोगों के लिए है कि सदिशों का योग, और सदिशों का योग दो तरीके से निकालते हैं, दो सदिशों को जोड़ने का नियम और दो से अधिक सदिशों को जोड़ने के नियम। तो दो सदिशों को जोड़ने के दो प्रकार के नियम हैं, एक है समांतर चतुर्भुज नियम और दूसरा है त्रिभुज नियम, और दो से अधिक सदिशों को जोड़ने के लिए बहुभुज नियम का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, सदिशों को सिंपली बीजगणितीय नियम द्वारा जोड़ घटा नहीं सकते, यानी कि सदिश राशियों को ऐसा नहीं है कि सदिश में एक पहली सदिश से दूसरी सदिश को घटा देंगे डायरेक्टली ऐसे भी नहीं। सदिशों को जोड़ने या घटाने के लिए विशेष प्रकार के तरकीब का प्रयोग करना पड़ता है, यानी कहते हैं कि सदिश बीजगणितीय नियम का प्रयोग करते हैं, और नियम का प्रयोग करके और हम लोग ज्ञात करते हैं। तो हम लोग को पढ़ना है कि सदिशों का जोड़ना और सदिशों को जोड़ने में जो सबसे पहला पॉइंट हम लोग को पढ़ना है आज, तो इस पहले पॉइंट का नाम है सदिश योग का त्रिभुज नियम। हम लोग को पहला पॉइंट क्या पढ़ना है, तो पहला पॉइंट होगा आज का कि सदिश योग का त्रिभुज नियम। सदिश योग का त्रिभुज नियम। अब देखिए थोड़ा सा कि सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या, हम जानते हैं कि सदिश में त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तो त्रिभुज नियम का जब प्रयोग करेंगे तो तीन भुजाएं इसमें हम लोगों को लेना पड़ेगा। तो देखिए सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या है, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा भी जाता है ये। तो सदिश योग के त्रिभुज नियम में हम कहेंगे कि यदि किसी क्षण किसी बिंदु पर कार्यरत दो सदिश परिमाण एवं दिशा में किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा निरूपित हो, तो उनका परिणामी उस त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा परिमाण एवं दिशा में भिन्न होगी, यानी कि तीसरी भुजा द्वारा प्रदर्शित होगी जो परिमाण एवं दिशा में भिन्न होगी। तो वही चीज हम यहां पर लिख दें कि यदि किसी क्षण किसी बिंदु पर कार्यरत दो सदिश परिमाण एवं दिशा में किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित हो, तो उनका परिणामी उस त्रिभुज के तीसरी भुजा द्वारा प्रदर्शित होगा जो परिमाण एवं दिशा में परस्पर भिन्न होगा, यानी कि इसकी दिशा अलग होगी। ठीक ना, ध्यान दीजिए, यही सदिश योग का त्रिभुज नियम है। दो सदिशों को जोड़ने के लिए त्रिभुज नियम जब लगाएंगे, तो यदि किसी क्षण किसी बिंदु पर कार्यरत दो सदिश परिमाण एवं दिशा में किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित हो, तो उनका परिणामी उस त्रिभुज के तीसरी भुजा द्वारा प्रदर्शित होगा जो परिमाण एवं दिशा में क्या होगा, भिन्न होगा। यदि हम इसको दो तरीके से इसको काउंट करते हैं, एक होता है इसका ज्यामितीय नियम और दूसरा होता है गणितीय नियम। ठीक है, तो दो तरीके से हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। यदि हम मान लें कि माना दो सदिश वेक्टर ए
तथा वेक्टर बी, माना दो सदिश ए तथा बी किसी बिंदु पर कार्यरत है। हमने लिखा कि माना दो सदिश ए तथा बी किसी बिंदु पर कार्यरत हैं। सदिश बी वेक्टर ए के साथ थीटा कोण बनाता है। अच्छा, थीटा कोण पर कार्यरत है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माना दो सदिश ए तथा बी जिसमें सदिश बी सदिश ए के दिशा से थीटा कोण पर कार्यरत है। तो अगर इस तरीके का कुछ स्टेटमेंट अगर हम लोग ले लें तो इसको दो तरीके से काउंट करते हैं। एक होता है ज्यामितीय नियम। क्या होता है? ज्यामितीय नियम, चाहे ज्यामितीय विधि। तो ज्यामितीय विधि थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसका कैसे। अगर हम मान लें कि यह सदिश, यह वेक्टर ए है, माना दो सदिश ए तथा बी परस्पर थीटा को ऐसे बल्कि लिख दे रहे हैं। माना दो सदिश ए तथा बी परस्पर थीटा कोण पर कार्यरत है। तो अगर पहली सदिश हम ऐसे मान लें और एक और सदिश कोई ले ले ऐसे, यह सदिश आपकी हो गई बी, तो हम क्या देख रहे हैं कि सदिश ए यह है, सदिश बी यह है, इसका परिमाण और दिशा अलग है, इसका परिमाण और दिशा अलग है। और जो सदिश बी है सदिश ए के दिशा से अगर ये देखेंगे तो कितना कोण पर है? थीटा कोण पर कार्य करता है। अगर इन्हीं दोनों सदिशों को जोड़ना होगा तो ज्यामितीय जब नियम लगाएंगे तो जोड़ने के लिए हम करते क्या है विद्यार्थियों, तो इन दोनों सदिशों को जोड़ने के लिए सबसे पहले सदिश के बराबर परिमाण और दिशा में एक सदिश खींच लेते हैं। हमने पहले सदिश के बराबर और उसी के दिशा में एक सदिश खींच लिया। अब यह नहीं कि इसकी इसका जो तीर का निशान इधर है तो तीर के निशान को हम यहाँ पर खींचे तो इधर कर दें, ऐसा नहीं करेंगे। जिधर इसकी दिशा है उधर ही इसकी दिशा को रखेंगे, क्योंकि सदिश में जानते हैं दिशा को बदलेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये आपका वेक्टर ए हो गया। अब देखिए सदिशों को जोड़ने के लिए करते क्या हैं, तो पहले सदिश के हेड से जिस सदिश को जोड़ना होता है उसके टेल को रखते हैं। तो पहली सदिश यह है और इस पहली सदिश से सदिश बी को जोड़ना है तो पहले के हेड पर दूसरे सदिश बी का टेल रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो यहां से टेल रखेंगे इसका, तो टेल ये है और जितने एंगल पर है वही एंगल यहां पर बनेगा, इसकी भी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे। यह सदिश आपकी क्या हो गई? बी हो गई। और ये कितना एंगल पर था? थीटा कोण पर, हमने इसको बनाया। ठीक है, अब देखिए तो हम क्या देख रहे हैं कि इस बिंदु पर अगर इस पॉइंट का नाम हम अगर ओ दे दें तो इस बिंदु ओ पर सदिश ए और सदिश बी दोनों काम करने लगी। तो हम लोगों का त्रिभुज नियम कहता है कि यदि किसी क्षण किसी बिंदु पर कार्यरत दो सदिश परिमाण एवं दिशा में किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित हो, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा प्रदर्शित हो गई सदिश ए और बी, तो इनका परिणामी इस त्रिभुज के तीसरी भुजा द्वारा प्रदर्शित होगा। तो तीसरी भुजा यही ना मिलाएंगे तो होगा। तो अब देखिए परिणामी कैसे खींचते हैं, हमेशा ध्यान रखना है इसको। तो परिणामी हमेशा पहले सदिश के टेल से दूसरे सदिश के हेड को मिलाते हैं। पहले सदिश के टेल को दूसरे सदिश के हेड से मिलाते हैं, यानी कि यहां से खींचेंगे और खींच करके इसको मिला देंगे यहां। अब देखिए एरो का निशान यहां पर होना चाहिए, दूसरे सदिश के हेड से परिणामी का हेड मिलना चाहिए, ये नहीं कि अब इसके हेड को इधर कर दिए, गलत हो जाएगा। और यही क्या होगी आपकी? परिणामी आर होगी। और यही आर बराबर हो जाएगा वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी। वेक्टर आर बराबर यानी कि यही परिणामी कितना हो जाएगा, किसके बराबर? सदिश ए और सदिश बी के बराबर हो जाएगा। यही ज्यामितीय नियम है। तो हम लोगों ने दो सदिशों को जोड़ने के नियम देखा, दो सदिशों को हम लोगों ने जोड़ा भी यहां पर, तो दो सदिशों को हम लोगों ने जोड़ लिया। उसके लिए हमने क्या किया कि पहले सदिश के परिमाण एवं दिशा में पहले सदिश खींचा और उसके हेड से दूसरे सदिश के टेल को जोड़ा और पुनः पहले सदिश के टेल को दूसरे सदिश के हेड से मिला दिया। यही क्या हुआ? इसका परिणामी हुआ। और यह परिणामी सदिश ए और बी के योग के बराबर होगा। तो हम लोगों ने ज्यामितीय विधि में ऐसे देख लिया। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो हम लोग को तरीका अपनाना है, दूसरा तरीका क्या है? तो दूसरा तरीका है गणितीय विधि। दूसरा तरीका कौन सा हम लोग को पढ़ना है? गणितीय विधि।
तो हम लोग गणितीय विधि पढ़ेंगे कि गणितीय विधि क्या है। तो पहले आप इसको थोड़ा सा ज्यामितीय नियम को देख लीजिए। ज्यामितीय नियम में अगर लिखना होगा तो वही लिखेंगे कि पहले सदिश के बराबर परिमाण और दिशा में एक सदिश खींच लेते हैं, उसके हेड से दूसरे सदिश के टेल को जोड़ते हैं और अंत में उसका परिणामी खींचते हैं जो पहले के टेल से दूसरे के हेड को मिलाता है और वही उन दोनों सदिशों के योग के बराबर होता है। हम लोगों ने इसको जोड़ लिया, तो आप इसको नोट करें। इसके बाद हम लोग चलेंगे गणितीय नियम पर। गणितीय नियम क्या है? तो गणितीय नियम में हम लोग देखेंगे, दूसरा है गणितीय नियम में हम लोग कैसे करेंगे। तो माना दो सदिश ए तथा बी, जिसमें सदिश बी जो है सदिश ए के साथ थीटा कोण पर कार्यरत है, यानी कि सेम प्रोसेस। जो सदिश ए आपकी है यह हो गई और जो सदिश बी हो गई, सपोज ये आपकी सदिश बी है। सदिश बी को हम क्या देख रहे हैं कि सदिश बी जो है ए के साथ कितने कोण पर काम कर रही है, थीटा कोण। अब इन्हीं दोनों सदिशों को गणितीय नियम के द्वारा हम लोग को जोड़ करके मान ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो देखिए इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले जो ज्यामितीय नियम था उसी तरीके से रखेंगे। सदिश ए के बराबर परिमाण और दिशा में हमने एक सदिश खींचा, चलिए हम यहाँ लिखते हैं सदिश ए के बराबर परिमाण और दिशा में सदिश ए हमने खींचा। देखिए जोड़ने के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप सदिश ए ही पहले खींचेंगे, बी भी खींच सकते हैं, लेकिन सिंपली आप हमेशा पहली सदिश को खींचेगा जो यानी कि एक्स अक्ष के पैरेलल हो, क्योंकि आसानी से आप उसको हल कर पाएंगे। अब देखिए सदिश ए को हमने खींच लिया, इसका नाम हम दे दे रहे हैं ए, इसका नाम हम दे दे रहे हैं ओ। और देखिए यहां से दूसरे सदिश के टेल को हम इसके साथ जोड़ेंगे, तो दूसरे सदिश का टेल जो है ये हो गया और दूसरे सदिश का हेड ये हो गया। इस सदिश का नाम दे दे रहे हैं बी, इसका नाम दे दे रहे हैं पी। देखिए ओ पी कोई जरूरी नहीं है, इसका नाम आप जो मन में आएगा आप दे सकते हैं, ठीक है, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कितने एंगल पर है, थीटा कोण पर। अब देखिए जब इसका परिणामी खींचेंगे तो ये परिणामी ये हुआ आपका हो जाएगा, सॉरी थोड़ा सा इसको हम सिंपल बना दें, ये ऐसे ये परिणामी हो गया और यह परिणामी क्या होता है वेक्टर आर। तो यह ओ हो गया, यह पी हमने नाम दिया, तो इसका नाम दे दे रहा हूं क्यू, कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने हिसाब से। अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि गणितीय नियम लगाने के लिए यहां से एक हम इस पर लंब डाल देंगे, लंब डाल देंगे तो देखिए ये क्या क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। अब इसका नाम पी दिए हैं, इसका नाम कुछ दे दीजिए, एन नाम दे दे रहा हूँ, चलिए एम नाम, हम एन नाम हमने हमने दे दिया, ठीक है। तो अब हम क्या देख रहे हैं, हमको तो निकालना है कि इस परिणामी का मान कितना होगा। तो हमको एक त्रिभुज मिलेगा, त्रिभुज ओ एन क्यू, और ओ एन क्यू में देखेंगे कि यह एक समकोण त्रिभुज है, और जब समकोण त्रिभुज है तो आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, आराम से मिल गया सूत्र। लेकिन हमको ये चीज निकालना है, और देखो ओ से पी की का जो मान है ए है और पी से क्यू का मान जो है बी है, लेकिन हम ये नहीं जानते और ये नहीं जानते हैं। तो अगर इसको ज्ञात कर रहे हैं तो आसानी से हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम काउंट कर रहे हैं, ठीक। तो अगर हम लोग काउंट करेंगे तो अगर हम यहाँ पर देखें, हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज पी एन क्यू, त्रिभुज पी एन क्यू में, त्रिभुज पी एन क्यू में ये क्या है, ये एक संपूर्ण त्रिभुज है। तो जब संपूर्ण त्रिभुज है तो हम यहां से यहां तक का मान जानते हैं कि ये क्या है आपका, इसके लिए कर्ण हो जाएगा और ये क्या होगा, आधार होगा, और ये क्या होगा, लंब होगा। तो चलिए हम पहले पी एन का मान निकालें, यहां से पी एन का मान अगर निकालेंगे तो पी एन और बटे में क्या ज्ञात है आपको, पी क्यू, और आप जानते हैं कि आधार बटे कर्ण बराबर क्या होता है, कॉस, और ये एंगल कितना है थीटा, तो कॉस थीटा, ठीक ना। तो पी एन बराबर पी क्यू कॉस थीटा, और पी क्यू का मान देखिए कितना है, यहां से यहां तक का मान कितना है, बी है, तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। यानी कि पी एन का मान आपने क्या निकाला, पी एन का मान यानी यहां से यहां तक का मान हमने क्या निकाल दिया, बी कॉस थीटा। अब देखिए गणितीय मैथमेटिक्स फॉर्म निकाल रहे हैं तो इस बी के ऊपर वेक्टर नहीं लगेगा, ठीक ना, क्योंकि हम गणितीय नियम लगा रहे हैं। तो अब ये बी कॉस थीटा क्योंकि उसके साथ कॉस जुड़ा हुआ है, ठीक ना। अब देखिए बी कॉस थीटा निकल गया। अब इसी तरीके से अगर हम इसको निकालें तो इसको निकालने के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि एन क्यू और बटे में पी क्यू, यानी कि लंब और बटे में कर्ण बराबर हो जाएगा साइन थीटा। और यहीं से निकालेंगे तो एन क्यू बराबर, एन क्यू बराबर P
पी क्यू साइन थीटा, और पी क्यू का मान कितना है बी साइन थीटा, यानी कि हम लोगों ने एन क्यू का मान यहाँ से क्या निकाल लिया, यहाँ से यहाँ तक का मान क्या निकाला बी साइन, हम लोगों ने क्या मान निकाल दिया बी साइन थीटा। तो जब हम लोगों ने बी साइन थीटा निकाल दिया, बी कास थीटा निकाल दिया, बी कास थीटा और बी साइन थीटा हम लोगों ने दोनों मान निकाल लिया। अब देखिए, अब कुछ करना नहीं है, आपने आप ऐसे भी याद रखिए इस चीज को कि हमेशा जब भी क्षैतिज कहेगा तो कास निकलेगा और लंबवत कहेगा तो साइन, देखिए साइन निकला है और इसमें कास निकला है, और जिसका घटक कहेगा बी का कहेगा तो बी का बी साइन थीटा होगा और क्षैतिज कहेगा तो बी कास थीटा होगा। अगर यहाँ पर ए होता तो ए साइन थीटा, ए कास थीटा, अगर ये पी होता तो पी साइन थीटा, पी कास थीटा, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। तो अब हम लोगों ने इसका मान निकाल लिया, अब पुनः हम लोग क्या करेंगे कि पुनः त्रिभुज ओ एन क्यू में, ओ एन क्यू में ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो जब समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम लोग लिखेंगे में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को तो परिणाम ही निकालना है ना, दो सदिशों को जोड़ने पर उसका योग कितना आएगा, उस योग को निकालना है, तभी हम लोग को परिणाम ही निकालने पड़ रही है। तो पाइथागोरस के प्रमेय से हम लोग निकालेंगे तो आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, तो आधार का वर्ग कितना होगा ओ, सॉरी ओ एन का वर्ग, पूरा ना लेंगे तो ओ एन का वर्ग धन लंब कितना है ओ, सॉरी एन क्यू, एन क्यू का वर्ग बराबर, और कर्ण कितना है इसका ओ का, यही ना है। तो अब देखिए ओ एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ एन को क्या लिख सकते हैं ओ पी आधार ओ एन लिख, पी एन लिख सकते हैं क्या, यानी कि ओ पी, ओ पी प्लस पी एन, प्लस पी एन, और इसका वर्ग था तो ये पूरा वर्ग हो जाएगा, और प्लस एन क्यू, इसका मान तो पता ही है तो इसको लिख देंगे एन क्यू का वर्ग और बराबर ओ क्यू का वर्ग, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू इसमें हम पुट कर दें, ओपी का मान हम जानते हैं कि ओपी का मान कितना है, वेक्टर ए है, तो चूंकि मैथमेटिक्स में रूप में लिखेंगे तो अब इसका रख करके हल करेंगे तो वेक्टर हट जाएगा, और पी एन का मान हम लोग निकाल ही लिए हैं कि पी एन का मान कितना है बी कॉस थीटा, और एन क्यू का मान भी हम लोग जानते हैं बी साइन थीटा, तो चलिए हम लोग इस मान को रखते हैं, ठीक है इसी में। तो ओपी का मान कितना है, देखिए ओपी की जगह पर हम ये रखेंगे तो ओपी की जगह पर ए, और प्लस पी एन की जगह पर क्या लिखते हैं बी कॉस थीटा, और इसका वर्ग, प्लस एन क्यू का मान कितना है, एन क्यू का मान कितना है तो बी साइन थीटा और इस पूरे का वर्ग, बराबर ओ क्यू का मान कितना है, ओ क्यू माने क्या है आर न परिणामी, तो आर का वर्ग। हल करिए इसको, हल करेंगे तो ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी ये गड़बड़ हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू ए बी कॉस थीटा और प्लस, तब ये अब आगे हल होगा क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है, तो अब इसको हल किए हम लोग, और इसको लिखेंगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर आर स्क्वायर। देखिए इसमें भी बी स्क्वायर है, इसमें भी बी स्क्वायर है, अगर इसको कॉमन कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पोस्ट में लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कास थीटा बराबर आर स्क्वायर। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, ये बहुत पॉपुलर एक सूत्र है, बराबर कितना होता है वन होता है, तो इसको वन लिख देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा बराबर आर स्क्वायर, यही परिणाम ही निकला। या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा जब वर्ग को हटा देंगे तो कर्ण लग जाएगी, मैंने आर इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र बना, यानी कि दो सदिशों को जोड़ेंगे और दोनों सदिशों को जोड़ने के लिए उसके परिणामी का सूत्र यह मिला। तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया और ऐसे हम लोगों ने निकाला। इसमें और एक चीज पूछेगा आपसे, ये तो हम इसका परिणामी निकाल लिए, तो पहले काम करिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कुछ इसमें। इसमें कभी कभी पूछ देता है कि परिणामी की दिशा बताओ, ये तो परिणामी निकल गया, कभी कभी आपसे क्वेश्चन जब पूछेगा तो कहेगा कि परिणामी की दिशा बताइए, तो मैं ऊपर मिटा दे रहा हूँ, ठीक ना। तो देखिए परिणामी की अगर दिशा पूछ दे
तब हम लोगों का सूत्र क्या बनेगा। चलिए इसी पर मैं बता देता हूं। यदि परिणामी, परिणामी क्या है, आर है, यदि परिणामी वेक्टर आर सदिश आर वेक्टर ए के साथ, परिणामी वेक्टर आर वेक्टर ए के साथ कुछ कोण बनाए, अल्फा बनाए, सपोज इस कोण को हम क्या मान लें, अल्फा मान लें, अल्फा चाहे फाई कुछ भी मान लें, चूंकि यहां पर थीटा माने हैं तो थीटा नहीं मानेंगे हम, तो हम अल्फा मान ले रहे हैं, ठीक है, अल्फा के साथ अल्फा कोण बनाए बनाए, तो परिणामी की दिशा, तो परिणामी की दिशा, तो देखिए परिणामी की दिशा जब निकालेंगे तो दिशा निकालने के लिए इसके सामने की भुजा क्या है, लंब है, और किस पर स्थित है, ये आधार पर, ठीक ना, तो लंब बटे आधार करेंगे, तो लंब ये हो गया और आधार ये हो गया, तो परिणामी की दिशा, और परिणामी की दिशा जब हम निकालेंगे तो हम जानते हैं कि ये निकालेंगे लंब लेंगे, तो परिणामी की दिशा के लिए लंब लेंगे तो एन क्यू और बटे में इसका आधार कितना है, ओ एन बराबर, देखिए लंब बटे आधार को क्या कहते हैं, टैन, और ये एंगल कितना बना रहा है, अल्फा, तो टैन अल्फा, इसी को लिख सकते हैं टैन अल्फा बराबर एन क्यू को रहने दीजिए एन क्यू ही, और ओ एन को क्या लिख सकते हैं, ओ एन को लिख सकते हैं ओपी और धन पी एन, यानी कि ओपी और धन पी एन, ओपी धन पी एन ये लिख सकते हैं। अब देखिए इसी मान को पुट कर दें हम लोग, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं टैन अल्फा बराबर एन क्यू का मान कितना है, एन क्यू का मान बी साइन थीटा और बटे में ओपी का मान कितना है ए, और प्लस इसका मान कितना है पी एन का, तो पी एन का मान है बी कॉस थीटा, यानी कि परिणामी की दिशा के लिए जो सूत्र बना विद्यार्थियों वह सूत्र आपका ये हुआ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से हम लोगों ने परिणामी ज्ञात किया और परिणामी की दिशा को भी काउंट किया, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह चीज समझ में आया होगा। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे बनाने के लिए और इसका प्रयोग हम लोग देखेंगे भी, तो आप इसे नोट कर लीजिए, और इसके बाद पुनः हम अगले वीडियो में अब आपको बताएंगे कि समांतर चतुर्भुज नियम क्या है। ये तो त्रिभुज नियम था, उसके बाद समांतर चतुर्भुज नियम क्या है, तो आप इसे नोट कर लीजिए और बने रहे आप एमएसटी एजुकेशन के साथ। पुनः हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तो आप पढ़ते रहिए और वीडियो को अंत तक देखें। अभी तक अगर आपने एमएसटी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक देखें। वीडियो दो तीन दिनों से कुछ आपको नहीं मिल पा रही है, वो व्यक्तिगत कुछ समस्याएं थी, धीरे धीरे आप लोग मैं उन समस्याओं को दूर कर लिया हूं, और अब लगभग प्रतिदिन आपको वीडियो समय से आपके बीच उपलब्ध होती रहेंगी, तो आप इसे नोट कर लीजिए। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, सुप्रभात आप सभी का।